ललितपुर में मेडिकल स्टोर वाले और कुछ डॉक्टर तो इन्हें पहचानते ही होंगे और इनके बारे में ये भी जानते होंगे कि अगर इनसे कोई काम पड़ जाए तो काम के एवज में इनकी क्या डिमांड रहती थी। लेकिन अब ये दोबारा डिमांड नहीं करेंगी क्योंकि आज ये रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई हैं। पूरा मामला ये है कि ललितपुर के ही एक शख्स को मेडिकल स्टोर का लाइसेंस चाहिए था, लेकिन ये उससे 40,000 रुपये रिश्वत मांग रही थी। इस बात की शिकायत उस शख्स ने विजिलेंस से कर दी और ये पकड़ ली गई रिश्वत लेते। औषधि निरीक्षक ललितपुर श्रीमती प्रीति सिंह के खिलाफ एक व्यक्ति ने रिश्वत लिए जाने की शिकायत की थी। वो अपने मेडिकल की दुकान के लिए लाइसेंस लेना चाहता था, जिसके लिए श्रीमती प्रीति सिंह ने उससे 40,000 रुपये की मांग की थी। केवल तभी वो उसको लाइसेंस दे जाने के लिए, उस पर आख्या लिखने के लिए तैयार थी। उसकी उसने शिकायत की, जिस पर विजिलेंस झांसी की टीम ने आकर के यहाँ के डीएम साहब और एसपी साहब से भी संपर्क किया और उनसे आवश्यक मदद दी। वो हमें जो भी कानूनी तरीके से हमको जुर्माना सजा लेनी होती है वो मदद दी और उसके बाद हम लोगों ने एक नियत तरीके से उस उनके कार्यालय की घेराबंदी की और ये सुनिश्चित होने के बाद कि वो रिश्वत मांग रही हैं और उन्होंने रिश्वत ली है, तब हमने उन पर पकड़ लिया उनको। और उनके जब हाथ धुलाए गए तो उनके हाथ रंग लाल से रंग गए और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया। के रिश्वत वाले नोटों में पाउडर लगाया गया था और जब विजिलेंस टीम ने इनके हाथ धुलवाए तो इनके हाथ रंग गए और ये धरी गई रंगे हाथों। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद अब इस ड्रग इंस्पेक्टर की हनक खत्म हो गई है, इसलिए अब ये मीडिया के सामने आने से मुंह चुरा रही है। ललितपुर से नितिन गिरी, न्यूज 75.8।